बताइए कि यहाँ किस लिए डेकोरेट किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ही इज अ चीफ ऑफ आवर एरिया एंड आई एम गोइंग टू सम क्वेश्चन टू आवर चीफ। ओके, तो आप बताइए कि यहाँ किस लिए डेकोरेट किया जा रहा है। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बगोदर विधानसभा का यहाँ चुनावी सभा होना है, जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री की पत्नी यानी कल्पना सोरेन जी यहाँ आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे, और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री विनोद कुमार सिंह को पक्ष में वो अपना बात रखेंगे, और काफ़ी इस सभी इलाकों से लोग यहाँ आएंगे। जैन सैलाब रहेगा, अभी कुछ ही देर में यहाँ लोगों का हजूम चालू हो जाएगा, जो कि सुबह शाम 5:30-5:30 बजे तक लोग यहाँ डटे रहेंगे। अभी तो बस अभी काम चल रहा है, अभी तैयारी कुछ ही देर में उन्हें पूरा कर लिया जाएगा, फिर आगे आप देखेंगे। आपको क्या लगता है, मतलब झारखंड में किसकी सरकार रहनी चाहिए? झारखंड में तो तय है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है, लोगों ने ठान लिया है। अगला बार तो कुछ कम सीट आया था, लेकिन इस बार 60+ सीट आने का उम्मीद है, और 100% हेमंत सरकार फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, ये हमें सबों को आशा उम्मीद है। हेमंत सरकार कितने साल से यहाँ पे, मतलब झारखंड की सरकार है? 5 साल से, 2019 से लेके अभी 2024 तक। 2 साल तो उनका कोरोना काल में चला गया, 1 साल तो केंद्र सरकार उसके आगे पीछे करके ही किया, फिर भी जो भी मौका मिला झारखंड के जनता के लिए बहुत बेहतर वो काम किए हैं, सीधा गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला काम किए हैं, चाहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, चाहे किसानों का कर्ज माफ़ी का हो, या फिर माफ़ी का हो, आज तक कोई सरकार इस तरह का कार्य नहीं की थी। ये हेमंत सरकार को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देंगे, और पुनः फिर से वो आवे, हम लोग उनकी तैयारी के लिए डटे हुए हैं, और फिर से झारखंड सरकार, मतलब झारखंड राज्य। बार आपको पूरा आशा है कि अब 110%। अच्छा, और कुछ बताना चाहते हो? नहीं, अभी तो बस इतना ही, फिर कुछ देर में फिर हम बताएंगे, आप लोग देखेंगे। अभी तो शुक्रिया, बोलना नहीं चाहेंगे, यही चीज बोलेंगे, जो भी काम कर रहे हैं बढ़िया किया, जनता के लिए, सारा चीज के लिए, और पब्लिक के, सिटी के लिए, मतलब बहुत बढ़िया काम किया है, बिजली माफ किया है, कोई ऐसा सरकार नहीं है कि आज तक के कोई ऐसा काम करके दिखाया हो, कितना भी हुआ सरकार आज तक ऐसा काम नहीं किया है जो सरकार काम करके दिखाया है, बिजली माफ किया हर गवर्नमेंट को। जनता से ऐसा लगता है कि अब की बार सच में हेमंत सरकार ही झारखंड में रहेंगे। और अभी आगे की ओर चलता हूँ और किसी से सवाल कुछ करता हूँ और देखता हूँ कि क्या उन लोग का रिएक्शन रहेगा। अब की बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार होगी? हेमंत सरकार होगी। आपको मतलब हेमंत सरकार जो 5 साल तक रहे वो क्या क्या किया इस टाइम में? बहुत तरह का काम किए हैं, जैसे? और इतना काम किए जैसे कि मैया सम्मान योजना जी, और बिजली माफ़ी, और लोन भी माफ़ किया है। तो आपको पूरा आशा है कि अब की बार बिल्कुल भी बिल्कुल हेमंत सरकार, मतलब कोई शक नहीं है? कोई शक नहीं जी। ऐसी बातें हर जनों से सुन के लगता है कि सच में हो सकती है। तो अब कुछ लोगों से और मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारे गांव के हैं, आप बताइए। आप बताइए जी जी जी, पूछिए। शर्मा की हो रही है, आप बोलिए जी। अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए झारखंड में? जे मैम। जय मैम, रीजन क्या है? बहुत विकास हुआ, बिजली बिल माफ हुआ, सभी को मैया समाज योजना में 1,000 रुपया मिला, जैसे और बिजली 200 यूनिट फ्री कर दिया, इसके वजह से जय मैम मानना थे। तो पूरा यकीन है कि पूरा आशा है कि अब की बार हेमंत सरकार जरूर जी। तो जितनों जन से पूछे जा रही है, जितने भी पब्लिक से, आप देख सकते हैं कि सब उन्हीं की ओर,
उनकी तारीफ बताए जा रहे हैं और जो चीज़ें भी है वो हर तरह से जो भी फायदे पहुंचाए हेमंत सरकार ने वो सारी चीज़ जनता के द्वारा सुनी जा रही है। तो मुझे आशा है कि अब की बार भी हेमंत सरकार ही होंगे। उनके अकाउंट में जा रहा है। आज जिस
योजना की चारों तरफ चर्चा हो रही है, वो कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? और आज झारखंड में ये महिला सम्मान योजना के ऊपर पीआईएल करने वाले लोगों के मुंह में एक करारा तमाचा है, क्योंकि आज हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया है। और अब ये झारखंड में महिला सम्मान योजना आप लोगों को जिस तरीके से प्रतिमा हजार रुपए खटाखट 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 फटाफट फटाफट मिलने वाला है, अभी तक आप लोगों को चार किस्त जा चुकी है, लेकिन दिसंबर से हमारी माता बहने आप लोगों के लिए प्रति माह दिसंबर से 2500 रुपए आप लोगों के अकाउंट में जाएगा, और फटाफट आप लोगों के अकाउंट में जाएगा साल का 30,000। आज ये झारखंडी सरकार हमारे गरीब गुरबा, हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे दलित, हमारे पिछड़ा, हमारे आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यकों की ये सरकार है। ये बीजेपी की तरह कोई बड़े बड़े धन कुबेरों की सरकार नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग हैं, केंद्र में बैठे लोग, ये क्या करते हैं? ये अपने जो बड़े बड़े धन कुबेर होते हैं उनके जो बड़े बड़े लोन होते हैं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों के लोन, उनको ये माफ करते हैं, लेकिन ये देश के हमारे किसानों का, इनके पास में लोन का पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं रहता है। ये ऐसे केंद्र में बैठे लोग आज झारखंड में किस बिना पे किसान के सामने में जाकर के वोट मांग रहे हैं? आज झारखंड के किसानों का, एक एक किसान का 2-2 लाख रुपए उनका जो ऋण था वो उनसे वो मुक्त हुए हैं, और वो आज झारखंड सरकार अपना बेटा हेमंत सोरेन के साथ में डट करके खड़े हैं। आज हमारी माताएं बहने, आप बताइए आप अपना आशीर्वाद किसको देने वाली है? किसको देने वाली है? और एक अपना दोनों हाथ उठाइए और अपना एक आशीर्वाद बगोदर के भैया हमारे विनोद सिंह जी को दीजिए, और एक आशीर्वाद अपना बेटा, अपना भाई हेमंत सोरेन को दीजिएगा, ताकि वो राज्य की बागडोर भली भांति जिस तरीके से अभी संभाल रहे हैं इस तरीके से और संभालते रहे। हमारे पिछड़े जिनका 27% का आरक्षण हम विधानसभा से पारित कराते हैं, आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि जब झारखंड बना था तो जब बीजेपी की सरकार आई थी तो इन्हीं लोगों ने 27% को घटा करके 14% किया था। 18 से 20 वर्ष ये सत्ता में रहे, लेकिन इन्होंने पिछड़ों के लिए, उनके आरक्षण के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। आज हम विधानसभा से पारित कराते हैं, हमारे पिछड़ों का 27% पारित कराते हैं, और केंद्र में बैठे ये बीजेपी के लोग फाइल को दबा करके बैठे। हमारा आदिवासी का सरना धर्म कोड हमने विधानसभा से पारित कराया, लेकिन ये केंद्र में जाकर के ये फिर से उस फाइल को दबा करके बैठ जाते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है, ये हमें हमारे झारखंड में हमारे आरक्षण को, हमारे अपने अस्तित्व को, हमारे झारखंड की अस्मिता को ये मजबूत कराना नहीं चाहते हैं। ये आप लोगों को अगर देखते हैं तो आपके वोट के आधार पर देखते हैं। अब आपको चुनाव करना है कि आपके हक की लड़ाई, आपके आरक्षण की लड़ाई, आपके अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपका बेटा हेमंत सोरेन लड़ रहा है। आज झारखंड में हमारा झारखंड का जो बकाया केंद्र के पास में है 1,36,000 करोड़, ये किसका पैसा है? किसका पैसा है? आप लोगों का पैसा है, और आप लोगों का पैसा दबा करके ये केंद्र के लोग बैठे हैं। अभी जब चुनाव आ गया है तो सारे केंद्र से मंत्री उठ करके यहाँ पे आ गए हैं, आ जरूर रहे हैं, लेकिन कभी भी ये हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है
ये लोग हम लोगों को बांटने का काम करते हैं, लेकिन आप लोगों को संगठित करना है। आप लोगों को जिस तरीके से ये मुट्ठी में ये पांचों उंगलियां फैली हैं, ऐसे फैल के नहीं रहना है, इसको मजबूत करके एक मुट्ठी बना करके एक साथ में संगठित रहना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। आज हमारे जितने भाई दादा माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों को एक सुर में, एक हक में, और हमारे झारखंड का जो चुनाव है, हमारा 1935 का स्थानीय नीति, इसको भी हमने विधानसभा से पारित कराया। ये बीजेपी के लोग क्या कहते हैं कि ये लोग हमारे झारखंड को बांटेंगे, हमारे 1935 के खतियान को यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। हम बोलेंगे झारखंड में अगर चलेगा तो 1932 का खतियान यहाँ पर न चलेगा, और हमारे आदिवासियों का सीएमटी एसपीटीएन चलेगा, यहाँ यूपीसी नहीं चलने वाला है। हमारे झारखंड के अस्तित्व, हमारे वीर शहीदों ने जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी है, उस तरीके से हमारे झारखंड का हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग आज हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ा है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ, 20 तारीख को आप लोगों को 7 नंबर पे 3 तारा पे अपना वोट देना है, ताकि आपके अपने बड़े भैया जिस तरीके से आपकी आवाज को, और खास करके हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, और हमारी झारखंड की जितनी भी पोषण सखी हैं, जितनी भी जल सैया है, स्वास्थ्य सैया है, आंगनबाड़ी की दीदी है, ये उस समय में डट करके खड़ी थी जब हेमंत सोरेन के साथ में कोई नहीं खड़ा था। जेएसएलपीएस की 30 लाख महिलाओं को हमारी झारखंड सरकार ने 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है, ताकि हमारी झारखंड की जो महिलाएं हैं वो अटक होकर खड़ी रहे, और जितना काम वो अपने लिए करेंगी, स्वावलंबी बनेंगी, झारखंड उतना आगे बढ़ेगा। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन अभी समय हो रहा है आगे देने, क्योंकि आपको पता है मैं भी चुनाव लड़ रही हूँ, मैं भी गाने से चुनाव लड़ रही हूँ, तो अभी इसके बाद मुझे अपने क्षेत्र में भी जाना है। और बस मैं आप सभी से फिर से ये सवाल पूछना चाहूंगी, मतदान की कौन सी तारीख है आपको? कौन सी तारीख? और आपको कौन सा बटन दबाना है? झंडे में 3 तारा। कौन सा नंबर चाची? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? 7 नंबर। और चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? 3 तारा में बगोदर के सारे हमारे मतदाता गण, आप 7 नंबर में 3 तारा में आदरणीय बड़े भैया विनोद सिंह जी को, इनको जीत दिलाइए, ताकि ये आपकी आवाज को बुलंद कर सके, और आपकी आवाज को बुलंद करने के साथ आपकी सेवा कर सके। ये आप लोगों को संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं आप सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ, सलाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।
अब सब बंद कर दो देखना। सेफ्टी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। देखा जाए